और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं हर जगह हर चीज की समस्या को देखा गया है और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं और क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में ही गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया है और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे तो बराबर यहाँ पर कुछ बनाया एक एक बात कहा गया और अभी प्रभावित सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया गया हर तरह से, उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा हर तरह से दिया जाएगा। हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ को जो भी प्रभावित है। बाकी जो लोगों रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत आईडी लगाने नहीं दिया जा रहा है सर। अगर महिलाएं हैं तो बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें और अगर बेटा होता है तो 10,000 क्या लेंगे, अब बेटी होती है तो 15,000 लोग तो जानते हैं शुरू से लोग सहायता भी करते हैं और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं तो तत्काल कहा गया उनको लाइए हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है, इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए प्रोटेक्शन का कि पानी अंदर ज्यादा न जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया करने का। और ये इलाके का तो आप जानते हैं तो कई बार आगे तो इसका हल जल्दी से जल्दी लोगों की व्यवस्था है कुछ अस्थायी समाधान सर होगा बाढ़ से जो निश्चित रूप से करने की कोशिश। आप ही पढ़ा रही हैं? सब यही रहने वाली बच्ची है। चार चार राउंड पाँच चलाते ही रहे।